10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मार्शल गॉड टेंपल के चारों गॉड एक साथ मिलकर एक गॉड लेवल डीमन के साथ फाइट कर रहे होते हैं, पर वह डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वह काफी आसानी से उन चारों गॉड्स को वहां पर घायल कर देता है। तभी उस जगह पर एंट्री होती है लीन फेंग की और अब लीन फेंग बाईहोंग को बाहर निकालता है। अब वहां पर आते ही बाईहोंग चारों ओर अपने आइज लोटस को फैलाते हुए वहां पर मौजूद छोटे मोटे डीमंस को मार देती है। तभी वह गॉड लेवल का डीमन बाईहोंग को देखते हुए बोलता है, आखिर तुम कौन हो? बाईहोंग बोलती है, तुम्हें यह जानने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। यह बोलते हुए वह अपने पावर को रिलीज करती है और अब वह सभी डीमंस के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करती है। अब उस अटैक के सामने आने वाले सभी डीमंस मारे जाते हैं। तभी वह गॉड लेवल डीमन बाईहोंग के उस अटैक को वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर बाईहोंग अपनी पावर को बढ़ाते हुए उस गॉड लेवल डीमन की बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देती है, जो देखकर आसपास खड़े मार्शल गॉड टेंपल के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। अब वहां पर बचे खुचे सभी डीमंस पोर्टल के रास्ते अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी सभी लोगों को उसी गॉड लेवल डीमन की आवाज सुनाई देती है, जो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, तुमने मेरे स्पिरिचुअल क्लोन को डिस्ट्रॉय किया है, मैं अब तक जिंदा हूँ, तो बस मैं एक बार पोर्टल के दूसरी पार पहुंच जाऊं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यह सुनकर बाईहोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलती है, तुम पोर्टल के इस पार नहीं आ सकते हो पर मैं पोर्टल के उस पार आ सकती हूँ, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से पोर्टल के दूसरी ओर जाकर वहां पर मौजूद डीमन आर्मी को अपने एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर देती है और वह उस गॉड लेवल डीमन को भी मार देती है। वहीं पर खड़ा साउटियान लगातार बाईहोंग की तारीफ किए चला जा रहा होता है। तभी बाईहोंग लीन फेंग के पास आती है और अब वह दोबारा से लीन फेंग के सोल सी के अंदर चली जाती है, जो देखते ही सभी लोग बोलने लगते हैं, आखिर अचानक से वह गॉडेस कहां चली गई। अब हमें एक जगह पर उसी एल्डर डीमन को दिखाया जाता है, जो अपने मॉन्स्टर के ऊपर खड़ा होता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके द्वारा भेजी गई एक और डीमन आर्मी वहां पर डिस्ट्रॉय हो चुकी है। यह सुनकर वह मॉन्स्टर काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी वह ओल्ड डीमन मॉन्स्टर को बताता है कि हमारी इस आर्मी को पिछली बार की ही तरह एक ही स्वॉर्ड अटैक में खत्म कर दिया गया, तो यह काम जरूर उस गॉडेस का होगा जिसके बारे में अब तक हमें कुछ भी नहीं पता है। तो अब मेरे ख्याल से वह गॉडेस नूजियांग में मौजूद डीमन आर्मी के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करेगी, तो मुझे उन लोगों को सावधान कर देना चाहिए। अब हमें मार्शल नूजियांग दिखाया जाता है, जहां पर क्वेनयिंग अकेले ही कई सारे डीमंस के साथ फाइट कर रही होती है, पर वहां पर वह सभी डीमंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिस वजह से अकेले ही उन सभी से फाइट करने की वजह से क्वेनयिंग काफी ज्यादा घायल हो चुकी होती है, पर इसके बावजूद वह बिना रुके सभी डीमंस का सामना कर रही होती है। तभी एक फीमेल डीमन काफी तेजी से क्वेनयिंग के ऊपर अटैक करती है, पर क्वेनयिंग उसके अटैक को डॉज करते हुए काफी तेजी से उसके पास जाकर उस फीमेल डीमन के ऊपर अपने आइस स्पीयर से अटैक करने की कोशिश करती है, पर वह डीमन क्वेनयिंग के अटैक को डॉज करते हुए उससे पीछे हट जाती है और अब वह हंसते हुए बोलती है, लड़की तुम सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, पर यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा कम है, जिस वजह से तुम हमसे नहीं जीत सकती हो। यह बोलते हुए वह क्वेनयिंग के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करती है, जो देखते ही क्वेनयिंग अपने आइस बैरियर को बनाते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, पर वह ज्यादा देर तक उस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाती है और वहां पर घायल हो जाती है। और अब वह फीमेल डीमन क्वेनयिंग की ओर आगे बढ़ते हुए उसे मारने ही वाली होती है कि तभी उस एल्डर डीमन का मैसेज उसके पास आता है और अब वह एल्डर डीमन उस फीमेल डीमन को बताता है कि कोई काफी पावरफुल पर्सन काफी तेजी में तुम्हारी ओर आगे बढ़ रहा है, तो जल्द से जल्द अपने सभी साथियों को लेकर वहां से निकल जाओ, वरना तुम सभी लोग मारे जाओगे। यह सुनते ही वह फीमेल डीमन अपने सभी साथियों को लेकर पोर्टल के रास्ते वहां से निकल जाती है। अब सभी डीमंस के वहां से चले जाने के बाद एक ओल्ड मैन क्वेनयिंग के पास आते हुए उसे संभालता है और तभी काफी तेजी से साउटियान के ऊपर बैठकर उड़ता हुआ लीन फेंग उस जगह पर आ जाता है और अब साउटियान चिल्लाते हुए बोलता है, हमें यहाँ पर आते हुए देखकर वह सभी लोग यहाँ से भाग गए। अब लीन फेंग को देखकर क्वेनयिंग काफी ज्यादा खुश होती है। तभी वह ओल्ड मैन वहां पर एक ईगल को लेकर आता है और अब क्वेनयिंग उस ईगल के ऊपर बैठ जाती है।
तभी लीन फैंग उस ओल्ड मैन को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मेरा नाम लीन फैंग है और मैं हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का डिसाइपल हूँ और यहाँ पर मार्शल गॉड टेम्पल ने मुझे आप लोगों की मदद करने के लिए भेजा है। यह सुनते ही वह ईगल बोलने लगता है, क्या मार्शल गॉड टेम्पल के लोग यहाँ पर हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? उन्होंने डीमन से फाइट करने के लिए एक बच्चे को यहाँ पर भेजा है। तभी साउटियान बोलता है, मेरे मास्टर एक इटर्नल जीनियस है, तो अपनी जुबान संभालो छोटे पक्षी, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यह सुनते ही वह ईगल गुस्से में चिल्लाने लगता है। तभी क्वीन यिंग उसे शांत करती है और अब वह लीन फैंग को वहां पर ग्रीट करती है। तभी लीन फैंग बोलता है, आखिर अचानक से सभी डीमंस यहाँ से कहाँ भाग गए? क्वीन यिंग उसे बताती है कि उन डीमंस के किसी सुपीरियर एल्डर का मैसेज उनके पास आया था, जिस मैसेज को सुनते ही वह सभी लोग वापस से गुसेन कॉन्टिनेंट के बॉर्डर पर चले गए। तभी बाईहोंग निकलकर बाहर आती है और बोलती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, वह डीमंस यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। और अब वह पोर्टल के रास्ते बॉर्डर की ओर जाने लगती है, जो देखते ही साउटियान भी लीन फैंग को लेकर पोर्टल के अंदर चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वह फीमेल डीमन अपने सभी साथियों को अपने साथ लेकर एक अपर डीमन के साथ उस जगह से दूर जा रही होती है। वहीं पर वह बोल रही होती है कि आखिर एल्डर ने इतनी जल्दबाजी में हमें वहां से बाहर क्यों बुलाया? अगर हम थोड़ी देर और उस जगह पर रुक जाते तो उस पूरे एरिया पर हमारा कब्जा हो जाता। तभी अचानक से बाईहोंग उनके पीछे आते हुए बोलती है, तो फिर तुमने वहीं पर रुककर उस एरिया पर कब्जा क्यों नहीं किया? यह बोलते हुए वह एक छोटा सा अटैक सभी डीमंस के ऊपर करती है, जो देखते ही वह अपर डीमन रुकते हुए अपने स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करके बाईहोंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। पर बाईहोंग का वह मामूली सा अटैक ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, जो उस अपर डीमन के स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे वहां पर घायल कर देता है। और अब वह अपर डीमन बोलने लगता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम कोई ट्रू गॉड लेवल पर मौजूद इंसान नहीं, बल्कि तुम एक असली गॉड हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, आज से पहले मैंने इतनी ज्यादा पावर को कभी भी सेंस नहीं किया। आईहंग बोलती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर मैं कौन हूँ, क्योंकि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। यह बोलते हुए वह लीन फैंग की ओर देखती है। तभी लीन फैंग अपने पास से निकालते हुए ब्लेजिंग बाईहंग की ओर फेंकता है और अब बाईहंग ब्लेजिंग को पकड़ते हुए एक स्लैश अटैक उन सभी डीमंस के ऊपर करती है, जो देखते ही वह अपर डीमन अपने सभी साथियों से बोलता है, यह अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो सभी लोग अपनी पावर को मर्ज करते हुए इस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करो, वरना हम सभी लोग जाएंगे। यह देखते ही वह सभी डीमंस एक साथ अपनी पावर को मर्ज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, पर वह सभी लोग उस अटैक से मारे जाते हैं। तभी साउटियान काफी तेजी से बाईहोंग के पास आते हुए बोलता है, सीनियर, आप सच में बहुत ही ज्यादा औसम हो, तो क्या आप यहाँ पर कुछ अपनी गॉड लेवल टेक्निक मुझे भी सिखा सकती हो? मैं यहाँ पर आपका डिसाइपल बनना चाहता हूँ। बाईहोंग बोलती है, हमारे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, तो अब मैं यहाँ पर अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करने के लिए जा रही हूँ, तो तुम दोनों इसे ध्यान से देखो, क्या पता फ्यूचर में तुम भी इस टेक्निक का यूज कर पाओ। और अब वहाँ पर बाईहोंग अपनी पावर को रिलीज करती है। अब बाईहोंग की पावर की वजह से वहाँ पर स्पेस के दो टुकड़े होने लगते हैं और गुसेन कॉन्टिनेंट के बीच में मौजूद बॉर्डर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे क्वीन यिंग और बाकी सभी लोग भी वहां पर बाईहोंग की पावर को देख पा रहे होते हैं। और अब क्वीन यिंग बोलने लगती है, मिस लिन, तो क्या यह भी आपकी ही तरह एक गॉडेस है? अब एक क्वीन यिंग के सोल सी के अंदर मौजूद गॉडेस उसे बताती है कि यह कोई नॉर्मल गॉडेस नहीं है, बल्कि यह रैलम ऑफ गॉड से आई एक असली गॉड है। और अब बाईहोंग अपनी पावर का यूज करते हुए वहां पर किसी चीज को ढूंढने लगती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।